नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना प्यारा सुरिंदर सिंह। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में फर्शों की। भवन निर्माण में फर्श कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, पहला फर्श जो है सादा फर्श होता है, प्लेन फर्श जिसे कहा जाता है। दूसरा फर्श होता है मार्बल चिप्स का, जी हाँ, उसे दाने वाला फर्श भी कहते हैं। तीसरा फर्श हम करते हैं पत्थर का, जी हाँ, पत्थर का फर्श। पत्थर से बनाया जाता है और उसमें डिजाइनिंग वगैरह भी की जाती है। और दोस्तों, इससे अगला फर्श आता है टाइलों का, जी हाँ, टाइलों का इस्तेमाल ज़्यादातर घरों में, ऑफिसों में, मॉल में किया जाता है। अधिकतर ऑफिसों में टाइल ही लगाई जाती है, साइज के अनुसार ही टाइल लगाई जाती है, जी हाँ। और भवन निर्माण में बाहरी जगह पर कोटे के पत्थर का इस्तेमाल होता है। जो कोटा आपने देखा भी होगा, रेडीमेड बना बनाया कटिंग किया हुआ आता है, उसे हम लॉबी में, बाहर गैलरी में और जहां पार्किंग एरिया होता है हमारा, उस जगह हम कोटा पत्थर का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से कलेजी का जो फर्श होता है घरों के बाहर, आपने देखा होगा, वो बनता था पहले। आजकल लोग उसे, इसकी जगह कोटा पत्थर ने ले ली है। और दोस्तों, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज में आज भी सादे फर्श ही बनाए जाते हैं, शीशे की पत्ती डालकर। जी हाँ, शीशे की पत्तियाँ लगाकर उसके अंदर जो है दाने का या मार्बल का या आपका सादा फर्श जो भी बनता है, शीशे की पत्तियाँ डाल के आज भी वही कारगर है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप करें इंतज़ार मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए सत श्री अकाल।